में पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $1400 है और इंडिया की जीडीपी 2490 तक पहुंच चुकी है और इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट्स भी करता जा रहा है। जब अयूब खोड़ो किसी भी सूरत प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल की बात नहीं मान रहे थे, उनको सिर्फ एक टाइपराइटर चोरी के केस में 2.5 साल की कैद सुना दी गई। अगर हम 2003 से 2004 तक ही देखें तो पाकिस्तानी जीडीपी का 4.6% डिफेंस में यूज हुआ और सिर्फ 1.7% एजुकेशन में। और जिन आर्मी ऑफिसर्स के यूटिलिटी बिल्स भी गवर्नमेंट खुद पे करती है, उनसे किसी किस्म का टैक्स भी कोई कैसे ले सकता है? बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स पाकिस्तानी अवाम पे करती है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपस में बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खत्म नहीं करते। किसी भी कंट्री की रियल वैल्यू देखनी हो तो सबसे पहले जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखा जाता है, मींस उस कंट्री में किसी भी चीज या सर्विस की प्रोडक्शन कितनी है। सो अगर हम 1970 में देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन $226 थी, जबकि इंडिया की सिर्फ $112 थी, यानी पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगर हम 2022 में देखें तो पाकिस्तान इंडिया से जितना ज्यादा बेहतर था, आज उतना ही वर्स्ट हो गया है। आज के दौर में पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $1400 है और इंडिया की जीडीपी 2490 तक पहुंच चुकी है और इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट्स भी करता जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो आज बहुत से इंटरनेशनल जायंट ब्रांड्स के सीईओ की पोजीशन पर सिर्फ इंडियंस ही बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल, अडोब, आईबीएम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट और इवन ट्विटर के सीईओ भी पहले इंडियन थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान सीईओस को गूगल पर सर्च करें तो एक दो कंपनीज के अलावा कोई नाम सामने नहीं आएगा। रिजल्ट्स में हमें सिर्फ एक्सपर्ट्स की एक डिबेट ही नजर आएगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इतने वर्दी क्यों नहीं है। अगर मैं इस सवाल का जवाब एक वर्ड में दूं तो वो है एजुकेशन। वैसे तो कंपैरिजन के लिए और भी बहुत बातें, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा या इंडिया जितना सक्सेसफुल नहीं हो सका। और इन दोनों का कंपैरिजन हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज एक साथ आजाद हुई थी, इनकी रेस की स्टार्टिंग लाइन एक ही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज इंडिया पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10 साल आगे जा रहा है? रीजन नंबर 1 इज कंट्रोल ऑफ पावर। पाकिस्तान के बंदे एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे पावरफुल अथॉरिटी जिस पोजीशन पर होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले यह डिसाइड किया जाना था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी पोजीशन होती है जिसने पूरी कंट्री को वाइजली रन करना होता है, जिसे पीपल्स चॉइस पर इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन पर लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था और वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी थे। लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर लियाकत अली खान को बिठा दिया और खुद वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन पर जाकर बैठ गए। इस बारे में ये बोला जाता है कि जिन्ना खुद को पाकिस्तान का एक सोल्जर मानते थे और वो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बदले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट संभाली। लेकिन इस फैसले के पीछे जो भी वजह हो, इसका नुकसान ये हुआ कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर के पास होने के बजाय गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई, क्योंकि वहां पर लिटरली एक पावरफुल इंसान बैठे थे। और इस तरह पहले दिन से ही पावर ऑफ स्टेट डिसबैलेंस हो गई, जिससे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन एक पावरलेस और ऑर्डर फॉलो करने वाली पोजीशन बन गई और गवर्नर जनरल की पोजीशन सेंटर ऑफ पावर बन गई। बहुत बार ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए कैबिनेट की मीटिंग को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद लीड किया करते थे और बहुत बार तो कैबिनेट खुद उनके पास मीटिंग करने भी चली जाया करती थी और प्राइम मिनिस्टर उनमें शामिल होते थे। यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। बहुत बार आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि कायदे आजम ने कभी भी सैलरी नहीं ली, वो बिना किसी कंपनसेशन के गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में आप साफ देख सकते हैं कि उनको ₹10,416 मंथली सैलरी मिलती थी। वेल, पाकिस्तान में स्टार्टिंग से ही असेंबलीज को डिसॉल्व करने का ऑप्शन भी गवर्नर जनरल ने ही यूज किया और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इसी एक ऑप्शन का यूज करते हुए पूरी कंट्री को बार बार नुकसान पहुंचाया गया। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान बनने के ठीक एक हफ्ते बाद 22 अगस्त 1947 को केपीके, जिसे एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था, इसकी असेंबलीज को तोड़ दिया गया, बल्कि अब्दुल गफ्फार खान जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया गया। और इसी तरह जो सिंध प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम अयूब खोड़ा था, उनको भी सिर्फ पावर का इस्तेमाल करते हुए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त कराची सिंध का कैपिटल था और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कराची को कैपिटल ऑफ द प्रोविंस नहीं बल्कि कैपिटल ऑफ द कंट्री बना दिया जाए सिंध से अलहदा करके। अयूब खोड़ो से बोला गया कि सिंध का कैपिटल वो किसी और सिटी में शिफ्ट कर लें, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि कराची को कंट्री और प्रोविंस दोनों का कैपिटल बना दिया जाए। जब अयूब खोड़ो किसी भी सूरत प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल की बात नहीं मान रहे थे, उनको सिर्फ टाइपराइटर चोरी के केस में 2.5 साल की कैद सुना दी गई। और अफसोस की बात यह कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ही सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वेल, यही वो पॉइंट है जहां से हर मामला पावर को यूज करते हुए किया जाने लगा और डिसमिस होने वाले मिनिस्टर्स की जगह जो भी नया मिनिस्टर आ रहा था उसे
उसे ये बात पता थी कि उसकी अब अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसे जो भी काम करना है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर ही करना है। लेकिन हमारे नेबर्स इंडिया में सेम सिचुएशन में बिल्कुल ऑपोजिट डिसीजन लिए जा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर की सीट को खुद संभाला और स्टेट के क्रिटिकल डिसीजन भी खुद लिए और 3 बार इलेक्शन को भी जीता। इसी दौरान ना तो किसी प्रोविंस की असेंबली को तोड़ा गया और ना ही किसी चीफ मिनिस्टर को बिलावजह डिसमिस किया गया। तो ये है वो पहली पॉलिटिकल रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान में ताकत का तवाजन खराब हुआ और वो इंडिया से पीछे रह गया। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, मिलिट्री मैनेजमेंट। 1946 में ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट में जवाहरलाल नेहरू को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और ये पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं थी। ये पोस्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद 12 सितंबर को नेहरू ने डिफेंस सिक्योरिटी और कमांडर इन चीफ को एक लेटर लिखा जिसमें इंडियन आर्मी को बहुत बड़े लेवल पर चेंज करने का बोला गया। जो रिफॉर्म्स नेहरू चाहते थे उससे ऑलमोस्ट पूरी आर्मी को ही तकरीबन चेंज किया जाना था क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश की बनाई हुई आर्मी थी और ब्रिटिश ने जहां भी रूल किया उन्होंने हमेशा पूरी कंट्रीज में से माइनॉरिटी को ही अपॉइंट किया ताकि अगर कभी आर्मी को सिविलियंस पर अटैक करना पड़े तो आर्मी किसी भी तरह से इमोशनल ट्रैप ना हो सके। यही वजह थी कि उस वक्त इंडियन आर्मी में हिंदू, सिख और जट्स की बहुत ज्यादा तादाद थी, यानी आर्मी का ज्यादा हिस्सा पंजाब से लिया जाता था। नेहरू चाहते थे कि इंडियन आर्मी लिटरली इंडियन आर्मी हो, यानी हर जगह से इंडियंस को सोल्जर बनने के लिए पुश किया जाए क्योंकि अब इस आर्मी ने पूरे इंडिया को डिफेंड करना था ना कि सिर्फ ब्रिटिश कम्युनिटी को। नेहरू इस बात को जानते थे कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो आर्मी रिफॉर्म्स करना लाजमी है। इंडिया के आजाद होने के बाद नेहरू ने आर्मी चीफ को गवर्नर जनरल की कैबिनेट से भी बाहर निकाल दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया जबकि पहले आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में बैठा करते थे। फिर आर्मी ऑफिसर्स की सैलरीज में भी काफी ज्यादा कट डाउन लगाया गया ताकि आर्मी की जॉब ज्यादा ग्लैमराइज नजर न आए। इवन आर्मी चीफ के पास एक बहुत बड़ा घर होता था जिसे 3 मूर्ति हाउस बोला जाता था। उस हाउस को नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बना दिया और आर्मी चीफ को एक नॉर्मल सा घर दे दिया। वैसे आजकल ये प्राइम मिनिस्टर हाउस एक म्यूजियम है जहाँ पे नेहरू की काफी ज्यादा यादगार की चीजें पड़ी हुई हैं। जब आर्मी को दोबारा रिफॉर्म किया गया तो उसमें 4 कमांडर इन चीफ थे जो आर्मी चीफ जितना ही स्टेटस रखते थे। आर्मी चीफ इन पर कोई रूल लागू नहीं कर सकते थे, इवन अगर इनको कोई भी मिशन मिलकर करने होते थे तो इसमें सारे चीफ कमांडर्स का एग्री होना कंपल्सरी होता था। आर्मी चीफ को इन सबको लिटरली कन्विंस करना पड़ता था। आर्मी चीफ इनको ऑर्डर्स नहीं दे सकते थे और आर्मी का ये स्टेटस आज तक कायम है जबकि आज इंडिया के 7 कमांडर इन चीफ्स हैं। मोर ओवर इंडिया में आईबी के नाम से एक स्पेशल एजेंसी भी मौजूद है जिसका काम सिर्फ आर्मी की जासूसी करना है कि कोई ऑफिसर आर्मी का दूसरे ऑफिसर के साथ मिलकर कोई साजिश वगैरह तो नहीं कर रहा। इन सारी बातों की वजह से इंडियन आर्मी में इतनी कैपेसिटी ही नहीं बची कि वह पूरी कंट्री को टेक ओवर कर सके, यानी कि माशाल्लाह लगा सके, जबकि पाकिस्तान में पहले दिन से ही आर्मी के पास बहुत ज्यादा पावर थी जिसे अपनी सोच के हिसाब से वो इस्तेमाल किया करते थे। वो जब चाहे असेंबलीज को डिसमिस कर देते थे, चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से हटा दिया करते थे और मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर देते थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दफा मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इस सब की वजह से डायरेक्टली नुकसान ये हो गया, पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं रही, हर आने वाले मिनिस्टर्स अपनी सीट के रोने धोने में मसरूफ रहे और पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर कोई खास काम नहीं कर सके। इसी रीजन के साथ रीजन नंबर 3 अटैच है जिससे फाइनेंसिस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया और वो है मिलिट्री बजट्स। पाकिस्तान में मिलिट्री बजट को एजुकेशन बजट से हमेशा बहुत ज्यादा रखा गया। अगर हम 2003 से 2004 तक ही देखें तो पाकिस्तानी जीडीपी का 4.6% डिफेंस में यूज हुआ और सिर्फ 1.7% एजुकेशन में। इवन जो एनुअल बजट डिवाइड हुआ उसमें से 19.6% आर्मी डिफेंस के लिए यूज हुआ और 1.2% एजुकेशन के लिए। ये स्टेट्स कम या ज्यादा जरूर होते हैं लेकिन कभी भी एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जबकि इंडियन गवर्नमेंट हर साल पहले से ज्यादा पैसे एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट करती है और इस सब का रिजल्ट आज सबके सामने है कि हम एजुकेशन के हिसाब से इंडिया से कितना पीछे रह गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर आर्मी पर इतने पैसे स्पेंड करता तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन भी है। आर्मी का कहना है कि उनका दुश्मन यानी इंडिया उनसे 5 टाइम्स बड़ा है और आए रोज इंडिया की तरफ से धमकियां भी मिलती रहती हैं। स्टार्टिंग से ही कश्मीर इशू को लेकर बहुत बार पाकिस्तान को इंडिया से जंग करनी पड़ी, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। ज्यादा स्ट्रांग मतलब अपडेटेड वेपन्स, और अपडेटेड वेपन्स को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के बनते ही पाकिस्तान को आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं मिले और पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब थी कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान को यूएस को एक लेटर लिखना पड़ा जिसमें ऑलमोस्ट $8,432 million यूएस से हमने मांगे जिनको मिलिट्री फोर्सेज और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के लिए यूज किया जाना था। जिस कंट्री की स्टार्टिंग इन लोन से हुई उसको चाहिए था कि वो एक एक स्टेप बहुत सोच समझ कर उठा दे। वेल, बात अगर सिर्फ आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की होती तो एक सेंसिबल रीजन लग रहा था लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी ऑफिसर्स ने इस बड़े से बजट में बहुत बड़ी करप्शन की। कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने, आयशा सिद्दीकी ने 2007 में एक बुक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी जिसमें डिटेल बताई गई है कि किस तरह पाकिस्तानी मिलिट्री अपने रिसोर्सेज खुद प्रोड्यूस करने के काबिल हो चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी अपने आप में
बिजनेस एम्पायर है, लेकिन वो उनसे पैदा होने वाले रेवेन्यू को ना तो मिलिट्री में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही कोई रिपोर्ट सिविल गवर्नमेंट को दी जाती है। आर्मी ऑफिसर्स का एक टाइप ऑफ ग्रुप है जो इस पैसे को अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए यूज करता है, दूसरा इस पैसे को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अपने मनपसंद पॉलिटिकल पर्संस को अनडॉक्यूमेंटेड फंड्स देना ताकि वो अपग्रेडेड हों और आर्मी उसे अपने इशारों पर चला सके। और जिन आर्मी ऑफिसर्स के यूटिलिटी बिल्स भी गवर्नमेंट खुद पे करती है उनसे किसी किस्म का टैक्स भी कोई कैसे ले सकता है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स पाकिस्तानी अवाम पे करती है। एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो मिलिट्री के मेन रिसोर्सेज में एक लैंड है, वो लैंड जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलिट्री को एलोकेट करती है। पूरी कंट्री की तकरीबन 12% लैंड सिर्फ मिलिट्री के पास है, जिसमें से 2/3 लैंड मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम कर दिया जाता है। इस लैंड में मिलिट्री के पास कंप्लीट राइट्स होते हैं कि वो उन पर जैसी मर्जी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस बुक में बताया गया है कि फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब एक ऐसी कंपनी जो बहुत सी डिफरेंट कंपनीज को ओन करती है। और फौजी फाउंडेशन फर्टिलाइजर्स, कंस्ट्रक्शन आइटम लाइक सीमेंट्स, फूड, बैंक्स, स्कूल, पेट्रोलियम, पावर जनरेशन जैसी सब कैटेगरीज को ओन करती है। मजीद आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फौजी फाउंडेशन की नेटवर्थ 20 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसका एक पार्ट तो सोल्जर्स की वेलफेयर के लिए यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट किसी खाते में नहीं आता। अगर इस एलोकेटेड लैंड में कमी की जाए और उस लैंड को सिविल गवर्नमेंट यूज करे या मिलिट्री फाउंडेशन अपने रेवेन्यू को सिविल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे तो हालात बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, आयशा सिद्दीका जिन्होंने ये बुक लिखी, उनकी इस बुक में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह जानता है। एक तो ये बुक पाकिस्तान में बैन है और सेकंड उनको पाकिस्तान में शायद अब नहीं का भी खतरा है। आफ्टर ऑल उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है जो पावरफुल तो है किसी ना किसी लिहाज से और पूरी दुनिया में 7th नंबर की पोजीशन भी होल्ड करती है पाकिस्तान की आर्मी। जबकि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी इतना फंडेड ना होने के बावजूद 4th पोजीशन पर आती है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट आर्मी एसेट्स पे पैसे स्पेंड करती है ना कि आर्मी ऑफिसर्स के एसेट पे। अब हम बात करते हैं 4th रीजन की, जो है ट्रेड लॉस। पाकिस्तान के साथ एक इंजस्टिस ये भी हुआ कि जब पार्टीशन हुई उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई भी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है या पाकिस्तान को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह चलने से पहले रींगना पड़ा। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज इंडिया के पास चले गए। सो पाकिस्तान के पास ना ही बड़े यूनिट थे जिनमें वो मैस लेवल पे प्रोडक्शन कर सके, ना ही वो एक्सपोर्ट्स अब कर सकते थे, तो पाकिस्तान का जीडीपी लेवल ज्यादा हाई नहीं जा सका। चलिए ये तो एक मजबूरी थी जिससे पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर जो गलती की वो है इंडिया के साथ ट्रेड को बंद करना। पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपस में बहुत बड़ी दुश्मन है लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खत्म नहीं करते। सो अगर हम चाइना के साथ इंडोनेशिया के रिलेशंस को देखें तो वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उनके दरमियान 123.34 बिलियन US डॉलर की ट्रेड हुई, जो 2020 के हिसाब से 58.43% ज्यादा थी। और इसी तरह ताइवान के रिलेशंस भी चाइना के साथ कोई खास अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ताइवान को चाइना का बिगेस्ट इन्वेस्टर समझा जाता है, जिसके साथ चाइना की ट्रेड ऑलमोस्ट 273 बिलियन डॉलर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में ट्रेड को हमेशा जज्बाती नजर से देखा। जब भी दोनों कंट्रीज की आपस में पॉलिटिकल बहस हुई है, हर बार किसी न किसी तरह सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इफेक्ट हुई है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई पर रहता है। रेफरेंस तो बहुत है, लेकिन अगर हम अगस्त 2019 में देखें तो जब इंडिया ने कश्मीर के स्पेशल को खत्म किया तो पाकिस्तान ने जज्बाती होकर इंडिया के साथ ट्रेड करनी ही बंद कर दी और इसी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन इंडिया को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है उन कंट्रीज में पाकिस्तान 48th नंबर पर आता है। सो उसके लिए पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एड नहीं करता। इनफैक्ट 2018-19 में इंडो पाक ट्रेड में इंडिया की टोटल ट्रेड में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.1% था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया से जो एक्सपोर्ट की थी उसकी वैल्यू 2.06 बिलियन US डॉलर थी और पाकिस्तान जो इंपोर्ट की उसकी वैल्यू सिर्फ 0.49 बिलियन डॉलर थी। सो अगर इन स्टैट्स को माइंड में रखा जाए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेड रोकने का ज्यादा नुकसान किसको हुआ, पाकिस्तान को या इंडिया को। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, बिलीव मी इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसको हमने जितना ऊपर ऊपर से देखा है, अगर हम इसकी डेप्थ में जाए तो मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। पाकिस्तान आज जिस हालत में है, हर बार लोन लेकर ही सारे निजाम को चलाने की कोशिश करता है और फिर जब लोन वापस करने का टाइम आता है तो मजीद लोन लेकर इस लोन को वापस किया जाता है। इस प्रॉब्लम की और भी बहुत सी रीजंस हो सकती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन को जानते हैं तो आप कमेंट्स में इसका इजहार करें। शुक्रिया।